नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रही हूँ ऑफ 23 सितंबर ऑफ 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए हमारा पहला न्यूज क्या है, इंडिया कंसिडर रेसिप्रोकल स्टेप टू यूके क्वारंटाइन रूल। तो ये जो न्यूज है किस रिगार्डिंग है, दैट इज डिस्कस बिटवीन इंडिया एंड यूके के बीच में हो रहा है। किसको लेकर, देखिए यूके ने एडॉप्ट किया है पॉलिसी। क्या पॉलिसी, समवन हु टेक टू वैक्सीन यू हैव टू क्वारंटाइन फॉर 10 डेज। अगर सपोज कोई मतलब वैक्सीन लेगा, ठीक है, तो उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा 10 डेज के लिए, 10 डेज के लिए। अभी देखिए इंडिया क्या बोल रहा है, सपोज कोविशील्ड, ठीक है, ये यूके के कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी देखिए ये प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ, इंडिया पर। तो इंडिया बोल रहा है अगर ये मतलब वैक्सीन लगाने के बाद 10 दिन क्वारंटाइन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं बोला गया था। तो इसी को लेकर डिस्कस हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा क्वारंटाइन रूल वहां पर यूज हो रहा है, बिकॉज ये क्वारंटाइन रूल यूज नहीं होना चाहिए था, ठीक। तो इसीलिए मतलब इंडिया कैन इम्पोज द रेसिप्रोकल एक्शन कोविशील्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं, प्रोसेस टू इंडक्ट वुमेन इनटू एनडीए बाय मई 2022। देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हमारा गवर्नमेंट ने बोला है पहले एनडीए, ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है आप लोग को पता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिए, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। एनडीए गवर्नमेंट जो है नेशनल डिफेंस अकेडमी में बोली दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर पहले क्या होता था, पहले वुमेन को मतलब चांस नहीं मिलता था, क्लियर। लेकिन अभी क्या हो गया है, वुमेन को चांस मिल रहा है लेकिन शॉर्ट सर्विस मतलब कमीशन पे, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, देखिए मतलब मैक्सिमम कोई लेडीज 10 ईयर तक काम कर सकता है, मैक्सिमम 10 इयर्स और एक्सटेंशन होगा तो 14 इयर्स, क्लियर। लेकिन ये अभी बढ़ा के क्या कर दिया गया है, दैट इज नॉट शॉर्ट सर्विस, मतलब ये परमानेंट कमीशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये देखिए मई 2022 में जो एग्जाम होंगे तो मतलब वुमेन वो मतलब एग्जाम दे सकेंगे। पहले क्या होता था, वो जो मतलब कॉम्बैट ये सब सर्विस में मतलब वुमेन को चांस नहीं मिलता था, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सोचती थी मतलब वुमेन का कुछ फिजिकल इश्यूज है, इसीलिए सब मतलब जो मेन कर सकते हैं वो वुमेन नहीं कर सकते। लेकिन इससे क्या होता था, इससे डिस्क्रिमिनेशन होता था, जेंडर का इनफैक्ट इनइक्विटी बढ़ता था, ठीक है। इसीलिए अभी ने क्या क्या है, उन्होंने बोल दिया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है 2020, ठीक है, 2022 में जो एग्जाम होगा वुमेन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए आसाम नागालैंड सीएम होल्ड टॉक विद एनएससीएम, ठीक है, एनएससीएम। तो यहाँ पर हमको जानना है दैट इज व्हाट इज एनएससीएम। अच्छा देखिए पहले ये जानना है आसाम का सीएम कौन है, दैट इज हिमंत विश्व शर्मा, एंड नागालैंड का सीएम कैसे सीएम कौन है, दैट इज नेफ्यू रियो, ठीक है। एंड यहाँ पर बात हो रहा है एनएससीएम का, NSCMIM, इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, क्लियर। दे वांट टू मतलब देखिए वहां का लोग क्या चाह रहे हैं, और एक नागालैंड चाह रहे हैं जहां पर और एक फ्लैग होगा, क्लियर। तो इसी को लेकर मीटिंग हो रहा है, इसी को लेकर इश्यू है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब दिया हुआ है, दैट इज नागालैंड को लेकर, रिगार्डिंग नागालैंड, वहां पर ये जो नागालैंड है वो नॉर्थ ईस्ट जोन में पड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट जोन में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो ये इशू को मतलब सॉल्व करने के लिए ही मीटिंग हो रहा है कि देखिए वो लोग चाहते हैं एक मतलब अलग नागालैंड, ठीक है, तो ये लोग चाहते हैं नहीं इसमें ही रहे इंडिया में, क्लियर। नेक्स्ट जो न्यूज है वो क्या है, रिकॉर्ड पैडी यील्ड डिप इन द ऑयल सीड लाइकली दिस खरीफ। देखिए ये एक अच्छा न्यूज है कि इस बार जो पैडी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये मतलब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, ठीक है, मतलब दूसरे साल के कंपेयर अगर हम करें, इस साल बहुत ज्यादा मतलब पैडी प्रोडक्शन हो रहा है। सिर्फ नॉट ओनली दैट, लेकिन इसमें खराब न्यूज भी है, मतलब ऑयल सीड्स जो है इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो गया है, कम गया, इसीलिए ऑयल का प्राइस इतना बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन पालसेस का भी, राइट, देखिए यहाँ पर याद रखना होगा आपको, पैडी एंड पालसेस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, ये जो मतलब एग्रीकल्चरल में ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है पैडी का,
यही न्यूज में है। चलिए नेक्स्ट, सीज फायर अलोंग विथ एलओसी एक्सपेक्टेड टू होल्ड। अच्छा देखिए, व्हाट इज एलओसी? एलओसी का फुल फॉर्म मैंने बोल दिया है। व्हाट इज एलओसी आपको पता है, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था, दैट इज सीज फायर, ठीक है। एक मतलब यहाँ पर अगर इंडिया हो, दैट प्लेस इज कॉल्ड एलओसी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा मतलब फायरिंग होता था, ऐसे कुछ होता था, सो सीज फायर लगा दिया गया था, ठीक है। पहले ये सीज फायर इतना लोग नहीं मानते थे। इनफैक्ट 2018 में जो वायलेशन था 2140 केसेस था, 2019 में 3479 केसेस है, 2020 में 5133 है, 2021 में भी 59 है, ठीक है, 591, 591। देखिए नंबर घटते जा रहा है। अभी क्या हो गया, 2021 तक फरवरी में केसेस बढ़ते जा रहा था, ठीक है, लेकिन फरवरी के बाद जीरो केसेस हो गया है, ठीक है, जीरो केसेस हो गया है। तो देखिए वहां पर मतलब बहुत सारा मिलिटेंट को मतलब अपॉइंटमेंट भी किया जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था वहां पर 60-70 कुछ आतंकवादी अभी तक है, इसीलिए वहां पर अपॉइंट किया जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए पायलट को पायलट किल्ड इन आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश। देखिए ये जो न्यूज है, ये मतलब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें पायलट को पायलट दोनों का डेथ हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर का नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसका नाम है चीता, ठीक है। ये चीता जो है, ठीक है, चीता चीता का फीचर्स क्या है, देखिए हाई परफॉर्मेंस हेलीकॉप्टर डिजाइन बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए कस्तूरी रंगन टू लीड सिलेबस पैनल। ये कस्तूरी रंगन कौन है, देखिए इसरो का फॉर्मर चीफ था कस्तूरी रंगन। तो इन्होंने ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज देखिए 12 मेंबर स्टीयरिंग कमिटी गिवन 3 ईयर ड्राफ्ट फ्रेमवर्क। पहले एक फ्रेमवर्क था, तो इसका सिलेबस पैनल जो है उसको चेंज करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पर्सनलिटी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हु इज कस्तूरी रंगन, ही इज द फॉर्मर चीफ ऑफ इसरो। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए टू मोर अफगान हेल्ड इन हीरोइन सीजर केस। देखिए फिर से दो अफगान मतलब अफगानिस्तान का जो पीपल वो ड्रग के केस में फंस गए हैं, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था 2-3 वीक पहले, ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल करके एक जोन होता है, ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, इसके बीच में आता है इंडिया, ठीक है, इसके बीच में आता है इंडिया। अब देखिए गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सा कंट्री है, दैट इज वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एंड बर्मा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो ये गोल्डन क्रिसेंट है, ठीक है, इसमें ड्रग बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, इसमें ड्रग बहुत ज्यादा मिलते हैं और इसमें भी ओपियम बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर ड्रग का मतलब बहुत यहाँ से वहां तक होता है, तो इसीलिए इंडिया में भी थ्रू इंडिया ये सब होता है, तो इंडिया में भी ड्रग का मतलब प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये मतलब ट्रांसफर जब यहाँ से यहाँ तक होता है तो थ्रू इंडिया ही जाता है, तो इसीलिए वहां पर भी थोड़ा बहुत यूज होने लगा है। तो इसी चक्कर में अफगानिस्तान को जो मतलब दो मतलब वहां का जो सिटीजन है वो भी फंस गया है, ठीक है, तो यही न्यूज में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए नो लिंक बिटवीन ऑकस एंड क्वाड। तो देखिए ऑकस और क्वाड में कोई रिलेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है। व्हाट इज ऑकस एंड व्हाट इज क्वाड, देखिए क्वाड का जो मेंबर है दैट इज जापान, यूएस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। और ऑकस का जो मेंबर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ठीक है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है, बिकॉज इनका मोटो अलग है, इनका मोटो अलग है। ऑकस का मोटो क्या है, ऑस्ट्रेलिया देखिए यूएस और यूके के मुकाबले बहुत कमजोर है, इसलिए टेक्नोलॉजिकल थोड़ा हेल्प मिलने के लिए ऑकस ग्रुप बनाया गया है, और क्वाड देखिए पीस मेंटेनिंग ये सब के लिए बनाया गया है, तो दोनों का एम अलग है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए फर्टिलिटी रेट हिंदू मुस्लिम कॉन्वर्टिंग, देखिए कॉन्वर्जिंग स्टडी, ये जो स्टडी दिया हुआ है ये फर्टिलिटी रेट मतलब एक लड़की कितना मतलब उनका फर्टिलिटी रेट क्या है, कैसे बच्चा पैदा करते हैं, तो उसका नंबर के हिसाब से एक मतलब डेटा बनाया गया है। ये जो डेटा दिया हुआ है ये प्यू रिसर्च सेंटर ने दिया है। देखिए हिंदू का 1992 में कितना था, 4.4, ठीक है, सॉरी मुस्लिम का था 4.4, हिंदू का था 3.3, यही 1998 में कितना हो गया, 3.6, 2.8, यही डेटा आपको देखना है, थ्रू डेटा ही डिस्कस किया गया है आर्टिकल में। आपको हार्डली ये पूछ सकता है कौन सा मतलब रिसर्च सेंटर ने ये बनाया है, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है। सेंट्रल विस्टा 600 मोर वर्क टू बी डिप्लॉयड। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें और भी 600 लोग लगेगा। अब देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, 600 लोग लगेगा मतलब उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये एक अच्छा बात है, एक्स्ट्रा 600 लोग लगेगा। अब देखिए सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो ट्राइंगुलर बेस है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक मतलब नया से हो रहा है। इन फैक्ट अ प्लान टू रिडेवलपमेंट द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, ठीक है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट हो रहा है। और क्या क्या हो रहा है, न्यू पार्लियामेंट हो रहा है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो रहा है, इनफैक्ट न्यू रेसिडेंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट सबके लिए नया जगह हो रहा है। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अंडर आता है। नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या है, एडीबी कट्स इंडिया 2021-2022 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 10%, ठीक है। देखिए एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिश कब हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1966। इनमें मेंबर कौन है, 68 टोटल मेंबर है। अब देखिए एडीबी ने क्या फोरकास्ट किया था, ग्रोथ रेट कितना होगा, 11%, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कट कर दिया, अभी 10% बोल रहे। क्यों, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू जीडीपी ग्रोथ, ड्यू टू कोविड सिचुएशन एंड डेल्टा वेरियंट, इस सभी को लेकर मतलब जो ग्रोथ का फोरकास्ट है वो थोड़ा सा घट गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तालिबान डबल डाउन ऑन दी ऑल मेल कैबिनेट। अभी देखिए तालिबान पूरा अफगानिस्तान में पूरा कंट्रोल कर लिए है, अभी देखिए वहां पर गवर्नमेंट थोड़ा बन रहा है, डेप्यूटी गवर्नर गवर्नर सभी बन रहा है, लेकिन वहां पर क्या न्यूज आया है, देखिए जो भी गवर्नमेंट बना है सभी मेल मेंबर है, फीमेल मेंबर नहीं है, तो वहां पर फीमेल प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी को लेकर न्यूज है। क्लियर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।